दिल्ली में चला 5 रोज। 5 रोज वहाँ क्या समस्या आया था? समस्या डॉक्टर बोला कि दवाई चलाते हैं, अगर होगा तो किस्मत में बच जाएगा, नहीं तो ये ज़्यादा डैमेज है, नहीं बचने को उम्मीद नहीं। एक्सीडेंट में परवस्ती बाल बच्चा वही लोग करता था, कोई कमाने वाला नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं। लड़की है, दोस्तों शादी कराने गए, एक लड़का है। कागज लगा के हम लोग आ चुके हैं, उसके बाद जो है फिर दूसरा रोज बुलाया, तो बुलाया तो हम लोग वहाँ पे उसका नाम से जो भी पैसा एम्बुलेंस द्वारा मंगवाने का बात था तो वो लोग जो है चेक दिया था। डीएम साहब कहाँ से दिया? हाँ, रेड क्रॉस से। हाँ, सदर हॉस्पिटल रेड क्रॉस है ना, तो वहीं से कल का डेट में और दिया। डीएम साहब से हम मिले थे, हाँ, क्या बोले दरखास्त लगाने डीएम साहब को? आप क्या कहे पहले, क्या बोला कि हम गुंजाइश लगा रहे हैं 21 तारीख को? आप अपना क्या मांग रखे डीएम साहब से? कि एम्बुलेंस का खर्चा दीजिए। खर्चा दीजिए, हाँ, क्योंकि हो जाएगा, गुंजाइश लगा दें, लगाते तो फिर उपरांत गरीबी कारण वो उनका जो शव है, डेड बॉडी जो है वो नहीं ला पा रहे थे, तो उन्होंने एक अनुरोध किया था कि अगर हम लोग कुछ प्रशासनिक मदद उनको लगता है, तो हम लोगों ने रेड क्रॉस के माध्यम से उनको जो वाहन का किराया है वो हम लोगों ने सुनिश्चित किया, और वो डेड बॉडी फिर 23 तारीख को रात में यहाँ पे वो डेड बॉडी आ गई थी। और जो श्रम अधीक्षक है उनको भी निर्देशित किया गया है कि जो प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना राज्य सरकार की है उसके तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए जो उनके आश्रित हैं उनको 1 लाख रुपये का अनुदान जो मिलता है राज्य सरकार से वो जल्दी उपलब्ध कराने की कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर हर पल, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अव्वल। दिल्ली में हुई पूर्णिया के मोहम्मद अकबर की मौत पर छलका, आईएएस अफसर का दर्द, बोले ये भी क्या हासिल। बिहार पूर्णिया के एक मजदूर की दिल्ली में हुई मौत की खबर से एक आईएएस अफसर इतना आहत हुआ कि उसने मानवीय संवेदना प्रकट करते हुए अपने दर्द को बयां कर दिया। जो भी उनके लिखे शब्दों को पढ़ा वो एक दफ़ा सिहर उठा। अपनों की खुशी हो या गम, उसमें अपनी भावनाओं को प्रकट करना एक स्वाभाविक बात है, लेकिन समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के दुख को समझना और उसे बयां करना ये उतना ही बड़ा काम है जितना मजबूत दिखना। एक आईएएस अफसर के लिए तो ये और बड़ी बात हो जाती है। पूर्णिया डीएम राहुल कुमार ने आज जो कुछ लिखा उससे वास्तव में ये प्रतीत हो रहा है कि दर्द क्या है। दरअसल बिहार के पूर्णिया जिले के केनगर प्रखंड के सबूतर गांव के मोहम्मद अकबर की मौत 6 दिन पहले दिल्ली में सड़क हादसे में हो गई, लेकिन गरीबी के चलते दिल्ली में मौजूद साथियों के पास इतनी रकम नहीं थी कि वो एम्बुलेंस कर सबको उसके घर तक ले आते। गांव में मौजूद पत्नी व अन्य सौजन के लिए एम्बुलेंस का किराया जुटाना संभव नहीं हो पा रहा था। सौजन अंतिम उम्मीद के लिए जिला अधिकारी राहुल कुमार के पास पहुंचे। डीएम ने जब पूरा वाक्या सुना तो खुद हतप्रभ रह गए। उन्होंने तत्काल इस दिशा में पहल की और फिर अकबर का शव बुधवार की शाम गांव सबूतर बैरगाछी पहुंच गया पाया। फिलहाल डीएम की इस दरियादिली व तत्परता की चौहोर प्रशंसा हो रही है। उधर डीएम ने इस पूरे मामले पर एक मार्मिक पोस्ट ट्विटर पर किया है। डीएम ने लिखा, 17 फरवरी 2022 को दिल्ली में सड़क दुर्घटना में पूर्णिया के एक आदमी की मृत्यु होती है। 21 फरवरी को उसके परिवार और गांव वाले कार्यालय आकर बताते हैं कि सब वाहन का किराया देने की स्थिति नहीं होने के कारण डेड बॉडी दिल्ली में ही है। खैर, भुगतान की व्यवस्था कराने पर आखिरकार सब आज 23 फरवरी को गाँव पहुँच गया, पर उस परिवार की बेबसी को कैसे व्यक्त किया जा सकता है जिसका कमाऊ सदस्य अकाल मारा गया और गरीबी इतनी कि सब तक कुछ लाने में 6 दिन लग गए। ठीक है कि असमानता को समाप्त करने की बात यूटोपियन है, पर मृत्यु में भी गरिमा ना दिला सके समाज और व्यवस्था का ऐसा भी क्या हासिल। बैरगाछी सबूतर निवासी 45 वर्षीय मोहम्मद अकबर की माली हालात बेहद ख़राब थी। वो रोजी रोटी के लिए दिल्ली गए थे। गाँव के स्थानीय ग्रामीण
मोहम्मद साहिल उर्फ बबलू ने बताया कि अकबर दिल्ली में कभी किराए का रिक्शा तो कभी ठेला चलाता था। घर में बीवी व एक बेटा दो बेटियां थी, इसी से उसका परिवार चलता था। गत 17 फरवरी को सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। वहां पोस्टमार्टम के बाद सब दिल्ली पुलिस ने उन लोगों के सुपुर्द कर दिया। उन लोगों ने जब एम्बुलेंस वाले से बात की तो किसी ने 50,000 तो किसी ने 40,000 की मांग की। उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे, इसकी सूचना उन लोगों ने गाँव वालों को दी। इधर पत्नी व अन्य स्वजनों के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वे लोग तत्काल पैसे भेज देते। इस उलझन में 4 दिन बीत गए। 21 फरवरी को स्वजनों ने पूर्णिया जिलाधिकारी से भेंट कर पूरी स्थिति बताई। जिलाधिकारी ने तत्काल इस पर संज्ञान लिया और दिल्ली में मौजूद उनके साथियों को एम्बुलेंस से शव लेकर चलने को कहा। ऐसे में 23 फरवरी को अकबर का शव गांव पहुंचा और फिर डीएम की पहल से एम्बुलेंस के किराए का भुगतान भी किया गया। साथ ही जिला पदाधिकारी द्वारा श्रम अधीक्षक पूर्णिया को इस मामले में प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के तहत 1,00,000 रुपये अनुदान परिवार आश्रित को अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मृतक की पत्नी सहित समस्त ग्रामीणों ने डीएम राहुल कुमार की संजीदगी व तत्परता पूर्ण कार्रवाई के प्रति आभार जताया है। आइए देखते हैं मृतक की पत्नी व परिजनों ने क्या कहा है इस वीडियो में। घटना हुआ, मेरे पति एक्सीडेंट हुए। कहाँ पे? दिल्ली पे। कब? 18 तारीख 18 तारीख को 17 तारीख को रात। तो क्या कैसे पता चला आपको? वहाँ से रूम से फोन किया गया था। हाँ, फोन किया। किसके द्वारा फोन किया गया था? वहाँ पे जो रहता था ना, जो जिसका अगल बगल में वही पे। तो क्या पता चला कि कैसे एक्सीडेंट हुआ है उसका? पता चला कि मोटरसाइकिल से हुआ है। ये क्या कौन काम करते थे वहाँ? काम करते थे, वो ठेली चलाता। ठेला चलाते थे। कितना दिनों से वो दिल्ली में रहते थे? 20-25 साल से रहते। 20-25 साल से। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? डीएम साहब के पास आप लोग गए थे सुनने का? दरख्वास्त लगाई। दिल्ली में आपको कितना दिन ट्रीटमेंट इलाज चला? दिल्ली में चला 5 रोज। 5 रोज वहाँ क्या समस्या आया? समस्या डॉक्टर बोला कि दवाई चलाते हैं, अगर होगा तो किस्मत में बच जाएगा, नहीं तो ये ज़्यादा डैमेज है, नहीं बचने को उम्मीद नहीं। एक्सीडेंट में कहाँ चोट लगा था, क्या हुआ था? यहाँ लगा है चोट, गर्दन में। हाँ। तो दिल्ली में ये कितने साल से रह रहा था? वही 20-25 साल से। वहाँ करता था, ठेला चलाता था? हाँ। घर भी आता था, जाता भी था। जाता भी था। आप लोग का कितना बेटी है आपको? 2 ठो है। बेटा? 1 ठो। तो ये उन्हीं पर आश्रित था जो भी कमा के? हाँ, वही बेचता था। तो लास्ट वही डेड बॉडी लाने के लिए आपके पास पैसे नहीं थे? नहीं था। तो क्या डीएम साहब से मिले आप लोग? कौन कौन गए थे मिलने? डीएम साहब से आप गए थे? तो क्या क्या डीएम साहब क्या आश्वासन आप लोगों की क्या मांग है? अब परवस्ती बाल बच्चा वही लोग करता था, कोई कमाने वाला नहीं है। कोई कमाने वाला नहीं, लड़की है, 2 ठो शादी कराने गई, एक लड़का है। बिहार सरकार की कोई योजना का लाभ मिल रहा है आपको? नहीं, कहाँ मिल रहा है? कुछ नहीं, कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा? नहीं, नहीं। तो आप लोगों की यही मांग है कि डीएम साहब अपने स्तर से कुछ करें हम लोगों के लिए? जी। तो 2 बेटी है आपको, 1 बेटा है। हाँ। बेटा पढ़ता है कि नहीं? हाँ, पढ़ता है। कहाँ? यही पढ़ता है, चौराहा स्कूल में, इधर ट्यूशन उशन पढ़ता है। क्या नाम है? राजा बोल नाम है। आपका क्या नाम है? कौशरी खातून। घर कहाँ है? घर अमचूरा। पत्नी है? हम पत्नी अकबर का। हाँ। आपको जमीन उमीन है कि नहीं? नहीं है कुछ। भूमि? यही जमीन इतने ठो है, यही जो है, यही बास। हाँ। जितना मैं आवास है वही। हाँ। हुआ था कैसे और किस तरह से आप लोग इसमें सहयोग लिए सरकार का? सरकार यहाँ जो है ना, 17 तारीख का जैसे डेट का उधर का इति हुआ नियुक्ति, तो इसमें दरखास्त डीएम के पास डायरेक्ट उस दिन हम लोग लगाए थे 21 तारीख को। अच्छा, तब क्या हुआ?
तो वो कागज़ लगा के हम लोग आ चुके हैं। उसके बाद जो है फिर दूसरा रोज़ बुलाया तो हम लोग वहाँ पे उसका नाम से जो भी पैसा एम्बुलेंस द्वारा मंगवाने का बात था तो वो लोग जो है चेक दिया था। डीएम साहब कैसे दिया? हाँ, रेड क्रॉस से दिया। हाँ, सदर हॉस्पिटल रेड क्रॉस है ना, तो वहीं से कल का डेट में और दिया। कल क्या तारीख था? कल 24 तारीख। आप लोग जो मिले डीएम साहब, तो डीएम साहब क्या बोले आप लोग? हम डीएम से डायरेक्ट कल नहीं मिले थे। अच्छा, वो फर्स्ट दिन जो है ना कासिम गया था, मेरा भाई ये है। अच्छा, वही मिले थे डीएम साहब से, हम मिले थे। हाँ, क्या बोले दरखास्त लगाने? डीएम साहब को आप क्या कहे पहले? क्या बोला कि हम गुंजाइश लगा रहे हैं 21 तारीख को। आप अपना क्या मांग रखे डीएम साहब से? कि एम्बुलेंस का खर्चा दीजिए। हाँ, हो जाएगा, गुंजाइश लगा देंगे। लगाते हैं तो फिर क्या हुआ? बोला कि जाइए आप। अच्छा, हम दरखास्त लगा करके आ गए। उसके बाद 24 तारीख कई 24 तारीख को गए तो तब वो चेक दिया इसके नाम, हासिम के नाम से। हाँ, फिर आपसे चेक दिया तो चेक लेके आप लोग चले गए वहाँ? एम्बुलेंस यहाँ करके दिया कि वहाँ से लाए? यहीं से करवाए थे कि आने का प्रक्रिया में मांग किए थे हम लोग। अच्छा, एम्बुलेंस में कितना लगा? 40,000 दिल्ली से यहाँ तक लाने? हाँ, लाने तक का। उसके बाद घर आने के बाद क्या किए? घर आने के बाद उसका वीडियो वही बना के थोड़ा बहुत रखे थे, लाश का जो भी डेड बॉडी का, तो वो सब फोटो मेरे पास रखा हुआ है। उसको जो है दाह संस्कार कर दिए? हाँ, उसका संस्कार कल का डेट। अब उसका छोटा छोटा बच्चा है, ये घर है, आप लोग जो उसमें बताइएगा वो हो जाएगा। मांग है कि इसको कुछ और चाहिए? अब इसके पास कोई गार्जियन रहा नहीं है कि उसके पास कोई नहीं है, उसी पे चल रहा था इसका रोजी रोटी जो है ना। एक थोड़ा लड़का भी है उसी में पढ़ रहा था वो, और उसका कोई भी बात कहीं से नहीं है, नहीं खेती बाड़ी है, नहीं कुछ है, उसी पे पल रहा था सब बाल बच्चा। दो ठो लड़की है, वो भी बेचारी। 17 तारीख को रात में वहाँ एक्सीडेंट हुआ ना, तो हम लोग को वहाँ से अगल बगल का आदमी फ़ोन किया तो हम लोग को जानकारी हुई, तो यहाँ से उसका परिवार को तो कोई है नहीं। दो ठो लड़की है, एगो लड़का भी पढ़ने है, पढ़ रहा है स्कूल में, और कोई उसका मदद करने वाला है नहीं। इधर उधर करके 2,000-5,000 रुपया लेके गया वहाँ। वहाँ जाने के बाद तो देखा तो मतलब पूरा सीरियस पर्सन में था वो, मतलब बच नहीं सका। यहाँ से पहुँचा उसका, रात में जो है ख़त्म हो गया उसका व्यवस्था वस्था करके, तभी वहाँ से यहाँ घर लाया गया, यहाँ मिट्टी में जल किए। हम लोग सब यही कहना है कि उसका कोई नहीं है कमाने वाला, उसी पे घर चलता था वो जो है, अकेला था परिवार में। लड़का भी है, छोटा है, दो ठो लड़की है, शादी करने लगा है, परिवार भी कहीं नहीं जाती है, कोई खेती पेती भी नहीं है, अकेले बेचारा कमाता था। सरकार से हो पाया? हाँ, हम प्रशासन जो सहयोग किया उससे कितना संतुष्ट है? संतुष्ट है भाई, तो थोड़ा बहुत मिला, भाड़ा किराया दिया वो ठीक है। अब हम लोग का कहना ये है कि उसको जो है सरकारी योजना से डीएम के तरफ से उसको बढ़िया तरीका से छानबीन करके उसको मिलना चाहिए हर हक। हाँ, बाल बच्चा है, दो ठो लड़का पढ़ रहा है, उसका जो हक है 4 लाख का वो मिलना चाहिए उसको। उसका घर में कोई है नहीं कमाने वाला, एक ही व्यक्ति था कमाने वाला, उसी पे घर उसका चल रहा था, कोई खेती गृहस्थी कुछ नहीं है, पूरा मजदूर क्लास का वहाँ पर ठेला चला रहा था दिल्ली में, प्रवासी मजदूर। हाँ, उसको मिलना चाहिए, यही है हम लोग का कहना। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सज्जाद। क्या है आप? हम वार्ड सदस्य का पति हैं। क्या नंबर वार्ड है? 2 नंबर वार्ड है। पंचायत है गणेशपुर। मांग जो है कि जितना भी हम सबका खाने पीना हो जाएगा, तो शादी के लिए मेरी बहन शादी के लिए है, उसके लिए कुछ हो जाए तो। आप लोग का 2 बहन अभी शादी के लिए? एक भाई पढ़ रहा है। अभी जो जिला पदाधिकारी पूर्णिया डीएम के तरफ से आप लोग को सहयोग किया गया है, उससे संतुष्ट हैं? अभी कहाँ का क्या संतुष्ट है, आगे भी सहयोग का मांग है यही ना? जी। क्या नाम है? अंसरी खातून। यानी कि दिल्ली का ये प्रवासी मजदूर था बेचारा, अपना भरण पोषण के लिए वहाँ रिक्शा ठेला वगैरह चलाता था और 6 महीना साल भर में आता था, लेकिन ये घटना पता चली कि वहाँ सड़क दुर्घटना में इनकी एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण से यहाँ हम लोग काफ़ी यहाँ के प्रतिनिधि लोग यहाँ से फ़ोन वगैरह किए कि कुछ सहायता हो, एम्स में इलाज वगैरह हो, लेकिन हॉस्पिटल ले जाने के बाद पेशेंट का हालत ही ऐसा कुछ था, सर में चोट लगने के कारण वहाँ मृत्यु हो गई। और ये परिवार गरीब था इसलिए इन लोगों के पास कोई सहायता नहीं हो पाया, तो इन लोगों ने डीएम साहब से आवेदन दिया था कि कुछ एम्बुलेंस का जो खर्च है उसके लिए जो है कि सहायता किया जाए, जिसमें डीएम पदाधिकारी पूर्णिया राहुल कुमार जी ने
जो है कि सहायता के लिए सिविल सर्जन जो है कि चिकित्सक पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल को फ़ोन किया और उसके द्वारा जो है कि सहायता राशि मदद किया गया एम्बुलेंस खर्च के लिए। अब ये परिवार जो है कि एक नाबालिग लड़का है, एक नाबालिग अभी एक लड़की है शादी करने के लिए, गरीब है फैमिली है, अभी तक सरकार के द्वारा इसको कहीं कोई मुआवजा नहीं मिला है। अभी तक कितना सहयोग मिला है? बिल वही मन के 40,000 रुपया जो है कि सहयोग डीएम राहुल कुमार के द्वारा जो एम्बुलेंस खर्च है दिल्ली से लाने के लिए वही उनको जो है सहायता किया गया। डीएम साहब एक ट्वीट किए हैं कि श्रम संसाधन विभाग से इनको 1,00,000 का मुआवजा दिया गया, क्या जानकारी है? नहीं, 1,00,000 का कहीं कोई जानकारी नहीं है, ठीक है, मात्र 40,000 रुपया जो है कि सिविल सर्जन चिकित्सा पदाधिकारी रेड क्रॉस के द्वारा जो है कि डीएम साहब के आदेश के अनुसार वह सहायता राशि प्राप्त की हुआ है। हो सकता है इसके अकाउंट में आया हो? नहीं, इस तरह का कोई कहीं कोई अकाउंट में अभी पैसा नहीं आया। क्या मांग करते हैं? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि गरीब फैमिली है, प्रवासी मजदूर था, रिक्शा उक्शा चला करके बच्चा सबका भरण पोषण करता है, एक बच्चा है जो बेचारा मिडिल स्कूल में पढ़ता है, अमचौरा स्कूल बरगाछी में, और सरकार से यही मांग करेंगे कि सर दुर्घटना में जो 4,00,000 की मुआवजा मिलती है, चाहे वो दिल्ली में यह दुर्घटना हुआ, वहाँ FIR केस वगैरह हुआ, पोस्टमार्टम वगैरह सब हुआ है, और वहाँ से चाहे वहाँ दिल्ली की सरकार इसको मदद करे या यहाँ राज्य सरकार जो है कि नीतीश कुमार जी से इसको जो है कि इस गरीब प्रवासी मजदूर को मदद करें। डीएम साहब के इस कदम से आप लोग कितने संतुष्ट हैं? मैं डीएम साहब को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद हैं कि डीएम साहब ने इस गरीब के बारे में कुछ सोचा। डीएम साहब से यही हम करते हैं कि इनको जो सड़क दुर्घटना में जो मुआवजा मिलना चाहिए जो अभी तक नहीं मिला, वह सड़क दुर्घटना का मुआवजा कम से कम मिले। क्या परिचय? मेरा नाम मोहम्मद साहिल। एक मोहम्मद अकबर के एक्सीडेंट में मृत्यु हुई थी दिल्ली में और उनका शव कई दिनों तक दिल्ली में पड़ा रहा और आपके पहल पे उनका शव यहाँ लाया गया, क्या मामला था सर पूरा और कैसे उससे मदद किया? इसमें सबूतर बेड़गाछी गांव है के नगर ब्लॉक में, वहाँ के कुछ लोग आए हुए थे 21 फरवरी को, उन्होंने बताया कि 17 फरवरी को ही जो मोहम्मद अकबर थे उनकी सड़क दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई थी, तो उसके उपरांत गरीबी के कारण वो उनका जो शव है डेड बॉडी जो है वो नहीं ला पा रहे थे, तो उन्होंने एक अनुरोध किया था कि अगर हम लोग कुछ प्रशासनिक मदद उनको उपलब्ध करा पाए, तो हम लोगों ने रेड क्रॉस के माध्यम से उनको जो वाहन का किराया है वो हम लोगों ने सुनिश्चित किया और वो डेड बॉडी फिर 23 तारीख को रात में यहाँ पे वो डेड बॉडी आ गई थी, और जो श्रम अधीक्षक है उनको भी निर्देशित किया गया है कि जो प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना राज्य सरकार की है उसके तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए जो उनके आश्रित हैं उनको 1,00,000 रुपये का अनुदान जो मिलता है राज्य सरकार से वो जल्दी उपलब्ध कराने की कार्रवाई।